नमस्कार, आप देख रहे हैं AJ1 न्यूज। मैं आपके साथ हूं अजीत दैया। आज हम आपको एक ऐसी घटना के बारे में जानकारी दे रहे हैं जिसके बारे में आपने रामायण में जरूर सुना होगा। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ जटायु की, जिसने माता सीता को रावण से बचाने हेतु अपने प्राण त्याग दिए थे। ये धार्मिक ग्रंथों में बताई गई एक कहानी है। उसके बाद जटायु महाराज का क्या हुआ उसके बारे में शायद आप जानते हो, लेकिन अगर हम कहें कि जटायु महाराज लौट आए हैं तो आपको यकीन नहीं होगा। जी हाँ, यूपी के कानपुर में एक ऐसा ही पक्षी देखा गया है जो जटायु की तरह विशाल है। ये वीडियो कानपुर से सामने आया है, जहाँ दुर्लभ प्रजाति का गिद्ध मिलने से लोग रोमांचित हैं। इस घटना के बाद ही लोगों में यह खबर तेजी से फैल रही है कि रामायण के जटायु लौट आए हैं। आपको बता दें कि स्थानीय लोगों ने गिद्ध को वन विभाग को सौंप दिया है। कई दिन ऐसे दुर्लभ पक्षी व जानवरों का शिकार होता रहता है। आपको बता दें कि यह गिद्ध अब लगभग विलुप्त हो चुका है या विलुप्त होने की कगार पर है। यह हिमालय की पहाड़ी इलाकों में पाया जाता है। काफी संख्या में लोग इसे देखने के लिए इकट्ठे हो गए हैं। इसे कानपुर के चिड़ियाघर में रखा गया है। पकड़े गए गिद्ध के पंख 4 से 5 फीट लंबे, इसके पंजे भी बहुत लंबे, इसका वजन करीब 8 किलो बताया जा रहा है। आपको क्या लगता है, क्या जटायु का वंशज है या नहीं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही और उसे खबरें देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।